वापिस आ गई मैं आप सबके खिदमत में। छोटे बड़े सबको मेरा सलाम। पिछले वीडियो में हमने कहा कि मैं हर्बल पे ज़्यादा ध्यान दी और उससे मेरी सेहत अच्छी है, तो मैं ये बता दूं कि मैंने उसमें से क्या खाया क्या क्या। पहले हमने बहुत दिन मेथी रात को भिगाई और सवेरे वो मेथी को चबा चबा के खा के उस पानी को मैंने पी गई। और करेला हो गया, उसको मैंने ज़रा सा तवा पे भाप देके उसको मैंने खाई। और अभी तो मैंने गांव गई थी तो हमारे सामने मोरिंगा का पेड़ है, तो मैंने उसमें से अपने मोरिंगा का पत्ता ला के हम उबाल के उसको पिए। उसको हम कच्चा भी खा लेते थे, हम नीम का पत्ता भी एक गाल खा लेते हैं, सदाबहार के पत्ते खा लेते हैं। हमने जितने हर्बल पत्ते हैं उसमें से ये सब हमने जो खाया है वो शेयर करूँगी। अभी तो हमने सुलेमान हकीम से यूट्यूब पर देखी, हमने उन्होंने कहा कि कच्चा लहसुन 2-3 कली हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, तो हमने उसको भी 2 सालों से ठंडी में चने के भुने चने के साथ या एक टाइम खाने के साथ, आपको अगर चना नहीं पच रहा होगा तो आप उसको दोपहर में या शाम में ठंडी का टाइम हो, गर्मी में बंद कर देना, ठंडे में आप 2-3 कली लहसुन को लेके जैसे हम मिर्ची खोट के खाते हैं इसी तरह आप हम लहसुन को खोट खोट के उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाने के साथ लें रोटी के, अकेला न लें, नहीं तो अकेले में अल्सर का डर होता है। कितना खाएंगे, एक खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा ऐसा खाएगा अकेला, तो उसको खाने के साथ लेने का। तो वो हम आज 2 सालों से ले रही हूँ और इंशाल्लाह हमें सूट भी किया। और गर्मी में छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत गर्म है। और उससे उन्होंने कहा कि हमारे खून को गाढ़ा करने से रोकेगी, इसलिए हमें बहुत फ़ायदा रहेगा और हमारे वजन में कमी भी रहेगी इससे, और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छील लिए उसको 2-3 कली और या तो खाने में अपने एक टाइम हमको अपने खाने में उसको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, फिर शेयर करेंगे अपने दिल की बात को।